Hello students, today we are going to study about structure of zinc blende. It means ZnS. ZnS का एक form होता है zinc blende और ZnS का एक और form होता है urtzite. उसका structure हम लोग बाद में study करेंगे. आज हम लोग zinc blende structure पढ़ते हैं. तो देखिए यहाँ पे zinc blende ZnS को कहते हैं, ठीक है? तो ZnS is an ionic compound of AB type structure. ए बी टाइप स्ट्रक्चर में रेशियो 1:1 होता है, ठीक है? ZnS अगर आयंस के फॉर्म में सेपरेट होंगे तो Zn2+ केटायन बनाएगा और S2- एनायन बनाएगा. एक क्या है? एक केटायन है. केटायन क्या है हमारा? Zn2+ और एनायन, एनायन क्या है? S2-, ठीक है? हम लोग जानते ही हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर जिस आयन का साइज बड़ा होता है वो पैकिंग बनाता है. तो इस आयनिक कंपाउंड में Zn+2 का साइज छोटा है इन कंपैरिजन टू S2- से. तो इट मींस S2- का साइज बड़ा है, बड़ा होने के कारण वो पैकिंग बनाएगा. तो S2- पैकिंग बनाता है, वो भी कौन सा पैकिंग? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? यानी FCC. उसके बाद Zn2+ जो उस फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो वॉइड बच जाता है उस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा Zn2+ आयन. वो भी कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा? एक क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड भी जनरेट होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी जनरेट होता है. लेकिन यहाँ पे जो ये Zn2+ केटायन जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा. यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ही ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो भी अल्टरनेट ऑर्डर में, ठीक है? तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट करके इसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करके पता चला है कि Zn2+ जो है वो अल्टरनेट ऑर्डर में रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि S2- जो है पैकिंग बना रहा है FCC के अंदर. S2- कहाँ कहाँ पे होगा? तो FCC के अंदर हम लोग जानते हैं कि हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होते हैं. 8 कॉर्नर है, 8ों पे एक एक एटम, और ये एटम कौन सा है? S2- आयन है, ठीक है? 8ों कॉर्नर पे, ठीक है? देखिए यहाँ पे ये हमने बना दिए. उसके बाद फिर फेस सेंटर में क्या होता है कि हर एक फेस पे भी एक एक एटम सिचुएटेड होते हैं. तो इस क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, तो हर एक फेस पे एक एक एटम हम बना दे रहे हैं. देखिए ये लेफ्ट, राइट, अपर, डाउन साइड, एक हमारे तरफ फ्रंट फेस और एक बैक फेस, ठीक है? तो ये टोटल हमने S2- को यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है? ये FCC लैटिस बन रहा है. अब यहाँ पे जो Zn2+ है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा, तो वो भी अल्टरनेट ऑर्डर में. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको ये बता देते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड इस क्यूब के अंदर कहाँ कहाँ पे होगा. तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करने का एक आसान सा तरीका है कि जितने भी यहाँ पे कॉर्नर एटम है उसके जस्ट बगल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है? तो चलिए हम लोकेट करते हैं. यहाँ पे 8 कॉर्नर एटम है और 8ों कॉर्नर एटम के बगल में हमारा क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, जो कि इस क्यूब के अंदर होगा, इसके बॉडी के अंदर होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ये इस एटम के बगल में ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है? ये ग्रीन बॉल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चलिए इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड मान लेते हैं, ठीक है? और जो रेड बॉल है वो हमारा क्या है? S2- है. और ग्रीन बॉल में टेट्राहेड्रल में क्या आएगा? Zn2+ केटायन, ठीक है? तो चलिए अब हम लोकेट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को इस क्यूब के अंदर. तो इस एटम के बगल में, फिर ये वाला एटम देखिए, इसके बगल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, फिर इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे होगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है? उसके बाद फिर ये वाला यहाँ पे एक होगा, इस जगह पे एक होगा, ये वाला कॉर्नर एटम के बगल में होगा, यहाँ पे एक होगा. तो टोटल हमने कितने बना दिए? टेट्राहेड्रल वॉइड 8. देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है बच्चों कि
वॉइड तो है यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन अब बात आती है कि ZN2+ जो है टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो भी अल्टरनेट ऑर्डर में। यहाँ पे आठ है तो कहाँ कहाँ पे वो ZN2+ आएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि सपोज ये वाला हमने यहाँ पे ZN+2 आके सिचुएटेड हो गया, ठीक है, और एक छोड़ के, तो इसके बगल में ये वाला है तो इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा एक, ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर पे। फिर यहाँ है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब नीचे वाले फेस पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, ये ऊपर में नहीं है तो यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद फिर इसके बगल में ये वाला छोड़ के यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा ZN2+, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इस क्यूब के बॉडी डायगोनल के एलोंग, ठीक है, बॉडी डायगोनल के एलोंग टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होता है, ठीक है। तो एक क्यूब के अंदर हमारा बॉडी डायगोनल कितना होता है, देखिए बॉडी डायगोनल चार होते हैं और हर एक डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, ठीक है। तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर क्रिएट होगा तो कितने टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, आठ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आठ टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें बॉडी डायगोनल का इमेजिंग कराती हूँ। देखिए सबसे पहले तो कॉर्नर एटम को इस तरह से कलर कर लेंगे, मैं इसलिए ऐसा बना रही हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। देखिए ये आठ एटम को हमने कॉर्नर वाले एटम को ले लिए हैं, अब इसके अलोंग हमें बात करनी है। तो सपोज नेमिंग कर देते हैं, ये वाला एटम को मान लेते हैं ए, इसको बी, सी और ये एटम डी, ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ पे देखिए बॉडी डायगोनल, तो कितने बॉडी डायगोनल है, चार। अब मैं आपको चारों का नाम लिखकर बताती हूँ कहाँ कहाँ पे बॉडी डायगोनल है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए के एस ए का जो बॉडी डायगोनल कहाँ पे होगा, ए और एफ, कौन सा हो जाएगा, ए और एफ, एक बॉडी डायगोनल हमें मिल गया। ये फ्रंट फेस का ये वाला जो कॉर्नर एटम है सामने वाला, वो बैक फेस के ऊपर अपर साइड वाला जो एटम है उसके अलोंग बॉडी डायगोनल बन रहा है, देखिए ए एफ। देखिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस जगह पे हॉचपॉच टाइप का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इमेजिन करा रही हूँ। ए से एफ देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से एफ के बीच में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है, दो, एक यहाँ पे और एक ये, ठीक है। और दो में से क्या हो रहा है, एक पे हमारा ZN2+ आयन जो है सिचुएटेड है, ठीक है। अब दूसरा ये वाला पकड़ लेते हैं, ये बी बॉल, ठीक है, बी के यहाँ देखिए बॉडी डायगोनल कौन सा हो जाएगा, बी जी, ठीक है, बी जी के अलोंग आप देखिए यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या है, ZN2+ आयन और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक बी जी हो गया और एक हमारा बॉडी डायगोनल हो गया, देखिए यहाँ पे सी को आप पकड़ लीजिए, सी से एच, यानी कि सी और एच, ये फ्रंट फेस का अपर साइड वाला ये है एटम और ये वाला बैक साइड के फेस का लोअर एटम है, ठीक है, कॉर्नर वाला, देखिए सी एच। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसपे ZN2+ नहीं है और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसपे एक ZN2+ आयन यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, अल्टरनेट ऑर्डर पे। अब चौथा हम लोग बॉडी डायगोनल के लोग बात करने वाले हैं, डी आप पकड़ लीजिए, डी का बॉडी डायगोनल कौन सा हो जाएगा, देखिए ई, डी ई, तो डी ई, डी और ई, एक कॉर्नर वाला लोअर साइड का वो बैक वाला यहाँ पे है एटम और ये फ्रंट फेस वाला अपर साइड वाला यहाँ वाला एटम है, ठीक है। तो ये बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है, और इनके बीच में देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे ZN2+ आयन नहीं है जबकि यहाँ पे ZN2+ आयन है, यानी कि अल्टरनेट ऑर्डर पे हमारा है। इस तरह से भी कह सकते हैं, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड पे ZN2+ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, इस तरह से हम लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल
चार बॉडी डायगोनल जिसके अलोंग हमारे आठ टेट्राहेड्रल वॉइड थे, लेकिन आठों पे हमारा Zn2+ आयन सिचुएटेड नहीं है, केवल चार पे हमारा Zn2+ आयन सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए H2-, यहाँ पे देखिए H2- का अब हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से निकालेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट यूनिट सेल। तो H2 आयंस यहाँ पे कितने सारे हैं इस क्यूब के अंदर, तो देखिए कॉर्नर वाला पकड़ लीजिए आप, कॉर्नर एटम्स कितने हैं यहाँ पे आठ, और आठों का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8, तो एक एटम हमको कॉर्नर से मिल जाते हैं। और फेस पे आप देखिए, फेस हमारे कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर, छः फेस होते हैं और हर एक फेस पे एक एक एटम है, तो 6 फेस और हर एक फेस पे एक एक एटम, कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए हाफ, तो यहाँ पे 3 हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ H2- आयन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब वहीं पे बात कर लेते हैं Zn2+ की। तो Zn2+ कहाँ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, इन बॉडी है, आठों टेट्राहेड्रल वॉइड है और इन बॉडी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं आठ, ठीक है, इन बॉडी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कवर नहीं हुआ है Zn2+ आयन। कितने कवर हो पाए हैं, 4 ही कवर हो पाए हैं ना, तो 1/2 इसका हो जाएगा 8 है, लेकिन आठों पे हमारा Zn2+ नहीं है, केवल 4 ही पर है, तो इसलिए 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 ही Zn2+ आयन इस क्यूब के अंदर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं Zn2+ आयन की, टेट्राहेड्रल वॉइड की नहीं। Zn2+ आयन ऑक्यूपाई किया है कितने टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया है, इट मींस 4 Zn2+ आयन इस क्यूब के अंदर पड़े हुए हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा, Zn2+ आयन का रेशियो H2- आयन का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:4, यानी कि 1:1। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नाइबर। ठीक है, कितने नियरेस्ट नाइबर है, यानी कि एक पर्टिकुलर एटम को कितने और एटम टच कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं H2- आयन की। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे कि ये बी बॉल है, तो इस बी बॉल को ग्रीन बॉल कितने टच करेंगे, तो इस बी बॉल को 4 ग्रीन बॉल टच करेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसके इससे जो अटैच और क्यूब होंगे, ठीक है, उनमें भी तो ग्रीन बॉल्स होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, तो वो भी क्या होगा, इस बॉल को, इस बी बॉल को टच करेगा, तो इस इट मीन्स कि एक रेड बॉल को 4 ग्रीन बॉल टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। उसी तरह Zn2+ केटायन को रेड बॉल टच करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये था हमारा Zn(S) का स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड के फॉर्म में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।